क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं, सोते जगते, उठते बैठते सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में, कभी अपने परिवार के बारे में, कभी रिश्तेदार के बारे में, तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं तो कभी गरीब बनकर उदास हो जाते हैं। सोच को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक वह जो आपकी अपनी सोच है और दूसरा वास्तविक सोच या साइंटिफिक सोच। सभी लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। एक गरीब सोचता है कि हम ज़्यादा गरीब, बाकी लोग हमसे अमीर हैं। जो अमीर होता है वह सोचता है कि मैं कम अमीर हूँ, बाकी अमीर हमसे ज़्यादा अमीर हैं। कुल में से टीचर यह सोचता है कि हम दूसरे टीचर से ज़्यादा योग्य और बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। किसी कार्यालय में कुछ कर्मचारी सोचते हैं हम दूसरे कर्मचारी से ज़्यादा मेहनती और ईमानदार हैं। उपरोक्त सभी सोच आपके मानने वाली सोच है, ना कि साइंटिफिक। यदि किसी लड़का या किसी लड़की को किसी भी या किसी ने प्यार में धोखा दिया है और वह लड़का सोच रहा है कि दुनिया में सभी लड़की बेवफा होती है, तो यह उसका अपना सोच है, ना कि साइंटिफिक। अगर आपको किसी दुकानदार ने धोखा दिया है और आप सोच रहे हैं कि सभी व्यापारी धोखा देते हैं और मुनाफा कमाते हैं, तो यह आपकी अपनी सोच है, ना कि साइंटिफिक सोच। दोस्तों, सोचना बहुत ही आसान काम होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी ज़्यादा सोचते हैं तो अपनी सोच को बदल दिए, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि एक तरह के नहीं होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे वीडियो देखना है तो हमारे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।